Okay, so let's start with the second question, that is differentiate with respect to x. So here y is equal to x raised to e plus x raised to x plus e raised to x plus e raised to e. ठीक है, अब इस केस में ये वाला केस हमने जब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया तभी हमने डिस्कस किया था कि ऐसा कुछ आएगा, क्योंकि हर एक जगह पर कुछ अलग फार्मूला लगता है. अब यहाँ पर x raised to x होता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से, तो मेरे पास डायरेक्टली स्टैंडर्ड फार्मूला है, वो मैं यूज कर लूंगा. एंड देन आई कैन राइट डाउन डी वाई बाई डी एक्स एज फॉर एक्स रेस टू ई वी हैव दिस फार्मूला एक्स रेस टू एन. एक्स रेस टू एन के फार्मूला के हिसाब से एन एक्स रेस टू एन माइनस वन प्लस एक्स रेस टू एक्स का डायरेक्ट होता है एक्स रेस टू एक्स इन ब्रैकेट वन प्लस लॉग एक्स प्लस ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू ई का डेरिवेटिव जीरो. कॉन्स्टेंट रेस टू कॉन्स्टेंट इज अ कॉन्स्टेंट. तो यहां पर आपका आंसर हो गया ई एक्स रेस टू ई माइनस वन प्लस प्लस. ठीक है, हमने डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पर यूज कर लिया एक्स रेस टू एक्स के थर्ड वन. Now in this question, as you can see, this is function raised to function and this is again function raised to function. ठीक है, तो जब भी दो बार या तीन बार function raised to function आता है तो directly logarithmic differentiation apply नहीं होता है. First you have to solve this one and then you have to solve this one. Then उन दोनों का अगर subtraction है तो हम subtraction कर लेंगे. तो इनका separate derivative हमें निकालना होता है. ध्यान में रखिएगा चीज, मैं फिर बता रहा हूँ. इस टाइप वाले केस में डायरेक्ट लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन नहीं अप्लाई होता है, हमें इंडिविजुअली मतलब सेपरेटली लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से इन दोनों का डेरिवेटिव निकालना होता है. एंड देन आइदर विल सब्ट्रैक्ट और विल ऐड अकॉर्डिंग टू द साइन ओवर हियर. तो इसे हम कर देते लेट y इज इक्वल टू यू माइनस वी. मतलब क्या, फर्स्ट फंक्शन कौन है यू माइनस सेकेंड फंक्शन कौन है वी. हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dy by dx. तो इसलिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया तो dy by dx मिल जाएगा हमें, विच इज इक्वल टू अब u का डेरिवेटिव होगा du by dx माइनस v का डेरिवेटिव होगा dv by dx एंड दैट इज योर आंसर. क्लियर, ये हमारा आंसर रहेगा. लेकिन अब ये दोनों डेरिवेटिव निकालने के लिए मुझे सेपरेटली लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इन दोनों पर यूज करना होगा. तो मैं यहां पर लिखता हूं नाउ यू इज इक्वल टू व्हाट, यू मतलब ये फर्स्ट फंक्शन क्या है लॉग एक्स रेस टू एक्स. हमने कर दिया लॉग यू मतलब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, एक्स आ जाएगा नीचे इंटू लॉग ऑफ log x. This is what taking log. Then we will differentiate. So log u ka derivative hoga 1 upon u du by dx. Right hand side par u into v. First into derivative of second. Ab log of log x ka derivative hoga 1 upon log x into derivative of log x matlab 1 upon x. प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स का डेरिवेटिव होगा वन. अब हमें मिल जाएगा डी यू बाई डी एक्स, यू उधर जाएगा ब्रैकेट में एक्स एक्स कट गया, यहां पर वन अपॉन लॉग एक्स प्लस इधर लॉग ऑफ लॉग एक्स. यू की वैल्यू हमने डाल देनी है. So this is equal to u मतलब log x raise to x और ब्रैकेट में वन अपॉन log x प्लस log of log x. This is second. du by dx हमने निकाल लिया. अब हमें dv by dx भी निकालना है. You write down v
सो वी इज इक्वल टू व्हाट, देखिए आप वी इज इक्वल टू कॉस एक्स रेस टू कॉट एक्स है, ठीक। तो देयरफॉर लॉग वी क्या हो जाएगा, कॉट एक्स आएगा नीचे इनटू लॉग ऑफ कॉस एक्स, देयरफॉर लॉग वी का डेरिवेटिव वन अपॉन वी डीवी बाय डीएक्स, इधर यू इनटू वी से होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड लॉग ऑफ कॉस एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स मतलब माइनस साइन एक्स, प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, कॉट एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, तो देयरफॉर डीवी बाय डीएक्स क्या होगा, फिर वी जाएगा उधर ब्रैकेट में, देखिए साइन अपॉन कॉस मतलब हो जाएगा टैन, ठीक है ना, साइन अपॉन कॉस का हो गया टैन हो गया, और इधर कौन है क्वाट, तो टैन और क्वाट का मल्टीप्लिकेशन वन हो जाएगा, या फिर आप क्वाट को अगर कॉस अपॉन साइन लिखोगे तो साइन साइन कॉस कॉस कट हो जाएगा, माइनस वन बचेगा फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म भी निगेटिव है कोसेक्स स्क्वायर एक्स है यहाँ पर, और साथ में सॉरी कोसेक्स स्क्वायर एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉसेक्स यानी इंटू लॉग ऑफ कॉसेक्स, हम दोनों जगह से माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है, यहां से अब दोनों जगह से माइनस कॉमन बाहर आ जाएगा, सो देन डीवी बाय डीएक्स बिकम्स, पहले तो हमें v की वैल्यू लिखनी है, v मतलब है cos x raise to cot x, ठीक, फिर माइनस साइन कॉमन हमने लेना था तो चलिए इधर लगाना था तो मैं यहां पर लगा देता हूं, फिर ब्रैकेट में लिख लेता हूं माइनस वन माइनस cos x square x into log of cos x, ये हो गया आपका थर्ड। अब फ्रॉम वन टू एंड थ्री dy बाय dx मतलब क्या है, देखिए du बाय dx माइनस du बाय dx, तो du बाय dx क्या है मेरे पास, वो लिख लेता हूं मैं log x रेस टू x ब्रैकेट में वन अपॉन log x प्लस log ऑफ log x, ये ब्रैकेट कंप्लीट हो गया, फिर है माइनस डीवी बाय डी एक्स, डीवी बाय डी एक्स से आप माइनस साइन यहाँ से कॉमन ले लोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर है कॉस एक्स रेस टू कॉट एक्स और ब्रैकेट में वन प्लस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स, क्लियर। सो ये पैटर्न रहने वाला है इस टाइप के क्वेश्चन में, सबसे पहले हमने क्या करना है समझ लो एक बार, इस टाइप के जो फंक्शन है पहले को u बोल देना माइनस दूसरे को v, फिर डिफरेंशिएट किया तो du by dx माइनस du by dx, फिर उसके बाद एक एक लेना अपने फंक्शन, तो ये हमारा आंसर है, आंसर का फॉर्मेट है। अब u मतलब log x रेस टू x, इसको हमने अलग से लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन किया, फिर v मतलब cos x रेस टू cot x उसको अलग से डिफरेंशिएट किया, तो du by dx और dv by dx दोनों के आंसर हमें मिल गए, अब इन दोनों को एक साथ लिख देना यहां पर तो हो जाएगा आपका आंसर, क्लियर है? यस सर। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव, e रेस टू टेन एक्स प्लस log x रेस टू tan x ठीक। अब देखिए यहाँ पर दोनों जगह पर आपको दोनों जगह पर फंक्शन रेस टू फंक्शन नहीं है, ये कांस्टेंट रेस टू फंक्शन है, तो यहाँ पर भी हालांकि आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कर सकते हैं
बट हम ए रेस टू एक्स के फार्मूला से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर ई रेस टू एक्स के फार्मूला से, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स होता है। तो कंपोजिट फंक्शन का नॉलेज यूज करके हम डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, बस सेकंड को हमें क्या बोलना होगा, यू बोल देंगे। तो लेट कर देते हैं, जो सेकंड फंक्शन है हमारा, लेट यू इज इक्वल टू लॉग एक्स तो हमने यहां पर y इज इक्वल टू कर दिया log x रेस्ट टू tan x, सॉरी u इज इक्वल टू, ठीक। तो देयर फोर y क्या हो गया, e रेस्ट टू tan x प्लस u, फिर हम इसे कर लेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, हमें मिलेगा dy बाय dx विच इज इक्वल टू e रेस्ट टू tan x का डेरिवेटिव होता है e रेस्ट टू tan x इंटू tan x का डेरिवेटिव मतलब x स्क्वायर x प्लस u का डेरिवेटिव होगा du बाय dx, इसे हम कर देंगे एक नंबर, ही हमारा आंसर है। लेकिन इसमें du बाय dx की वैल्यू डालना बाकी है, तो du बाय dx निकाल लेते हैं। तो नाउ u इज इक्वल टू log x रेस टू tan x, देयरफॉर log u इज इक्वल टू tan x आ जाएगा नीचे, इंटू log ऑफ log x, therefore अब differentiate कर दिया तो 1 upon u du by dx, right hand side पर u into v होगा, first derivative of second, log of log x का derivative होगा 1 upon log x into derivative of log x मतलब 1 upon x plus second into derivative of first, tan x का derivative होगा सेक्स स्क्वेयर एक्स। सो देयर फोर डी यू बाय डी एक्स इक्वल टू, अब यू उधर चला जाएगा ब्रैकेट में, टेन एक्स डिनोमिनेटर में एक्स लॉग एक्स प्लस यहां पर सेक्स स्क्वेयर एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स, ब्रैकेट कंप्लीट। यू की वैल्यू हमने यहां पर डाल देनी है log x raise to tan x bracket as it is, अभी आपने लिखना है पूरा, इसको हमने बोल दिया दो नंबर, फिर नीचे कर देंगे from 1 and 2, ठीक। dy by dx is equal to जो पहला है e raise to tan x into sec square x, e raise to tan x into sec square x, फिर आगे प्लस प्लस है du by dx, du by dx मतलब यहां पर निकाला हुआ है हमने log x raise to tan x और ब्रैकेट, ये स्क्वेयर ब्रैकेट जो है एज इट इज हमने यहां पर लिख देना है। तो दिस कंप्लीट्स योर आंसर, क्लियर है? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू 10 रेस टू x रेस टू x प्लस x रेस टू 10 प्लस x रेस टू 10 रेस टू x। नाउ रिमेंबर दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ a रेस टू m रेस टू n, है ना, ए रेस टू एम रेस टू एन में यहाँ पर ब्रैकेट होता है, तो ब्रैकेट नहीं है, तो ये मतलब 10 रेस टू एक्स है और फिर एक्स रेस टू एक्स है, तो ये अलग अलग चीज है। तो यहाँ पर भी हमें तीनों का अलग अलग डेरिवेटिव
निकालना होगा, ठीक है, तीनों का डेरिवेटिव हमें अलग अलग निकालना होगा. सो लेट y इज इक्वल टू u प्लस वी प्लस w एंड देयर फोर dy बाय dx हो जाएगा हमारे पास du बाय dx प्लस dv बाय dx प्लस dw बाय dx. ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया. अब एक एक उठाते हैं, हम u को ले लेते हैं. u मतलब 10 रेस टू x रेस टू x. अब इसका ले लिया log, तो log u. अब पावर में x रेस टू x है, तो ये x रेस टू x नीचे आएगा इंटू log 10. फिर log u का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन u du बाय dx इक्वल टू राइट हैंड साइड पर u इंटू u की कोई जरूरत नहीं है, है ना, क्योंकि log 10 इज अ कॉन्स्टेंट एज इट इज रह गया. और x रेस टू x का डेरिवेटिव होता है x रेस टू x इन ब्रैकेट 1 प्लस log x. तो अब du बाय dx जो है ये हो जाएगा u मल्टीप्लाई होगा राइट हैंड साइड पर ब्रैकेट में log 10 इंटू x रेस टू x इंटू ब्रैकेट 1 प्लस log x. अब u मतलब है आपका 10 रेस टू x रेस टू x. फिर ब्रैकेट है यहां पर log 10 इंटू x रेस टू x, ये सेकंड इक्वेशन हो गया. अब इसी तरीके से दूसरा उठाते हैं v. also v इज इक्वल टू x रेस टू 10 है, ठीक, हमने ले लिया log, तो गया log v. अब पावर में कौन है x रेस टू 10, पावर में, तो x रेस टू 10 नीचे आ गया इंटू log ऑफ x. अब लिया हमने डेरिवेटिव तो 1 अपॉन v dv बाय dx राइट हैंड साइड पर u इंटू v होगा, ठीक है. तो फर्स्ट है x रेस टू 10 इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x रेस टू 10 का डेरिवेटिव होगा 10 x रेस टू 9. अब हमें मिलेगा dv बाय dx, v उधर लेकर जाना है, ब्रैकेट में होगा x रेस टू 10 अपॉन x मतलब x रेस टू 9 प्लस log x इंटू 10 x रेस टू 9. नाउ दिस इज इक्वल टू v मतलब x रेस टू 10 ब्रैकेट में x रेस टू 9 कॉमन है, तो हमने ब्रैकेट में x रेस टू 9 कॉमन भी ले लिया. इधर बच जाता है x रेस टू 9 कॉमन लिया तो 1 प्लस इधर 10 log x. एंड दिस इज थर्ड, ठीक. अब हमने w का भी निकालना है, तो also w इक्वल टू व्हाट x रेस टू 10 रेस टू x. देयरफोर log w 10 रेस टू x नीचे आएगा इंटू log x. ठीक है, अब डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन w dw बाय dx राइट हैंड साइड पर u इंटू v. तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 10 रेस टू x का डेरिवेटिव 10 रेस टू x इंटू log 10. तो हमें dw बाय dx मिलेगा. अब w उधर मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट में क्या है 10 रेस टू x अपॉन x प्लस log x 10 रेस टू x log 10. अब इस ब्रैकेट में 10 रेस टू x कॉमन निकलता है तो बाहर ले लेंगे, और w की वैल्यू भी डालना है अभी, ठीक है. यहां तक क्लियर है? चलिए आगे. अब डी डब्ल्यू बाय डी एक्स इज इक्वल टू, हमने डब्ल्यू की वैल्यू डाल दिया,
एक्स रेस टू टेन रेस टू एक्स, ठीक है, इंटू टेन रेस टू एक्स हमने कॉमन भी लिया है, इन ब्रैकेट बचता है वन अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग टेन, तो मैंने लिख दिया लॉग टेन इंटू लॉग एक्स, तो दिस इज फोर। अब हम लिखेंगे फ्रॉम वन टू थ्री एंड फोर, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, चारों वैल्यूज हम निकाल चुके, चारों डेरिवेटिव हम निकाल चुके, पहला डेरिवेटिव प्लस सॉरी तीनों, दूसरा डेरिवेटिव प्लस तीसरा डेरिवेटिव, तीसरा डेरिवेटिव कौन सा है यहाँ पर डी डब्ल्यू बाय डी एक्स, ये हमने इतना जो है पूरा यहाँ पर लिखना है, दूसरा यहाँ पर तीसरा यहाँ पर, बीच में एडिशन है तो एडिशन कर दिए। क्लियर है, ये सेवंथ वाला क्वेश्चन था, है ना, फिफ्थ नहीं था, फिफ्थ हमने पहले ले लिया, ये क्वेश्चन नंबर सेवंथ है। लास्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ था, क्वेश्चन नंबर सेवंथ हुआ। लेट्स मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। फाइंड डीवाई बाय डी एक्स इफ, फर्स्ट वन रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट ए, नाउ दीज आर नाउ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। ठीक, हम सीधा सीधा इसको कर देंगे डिफरेंशिएट, सो आई एम राइटिंग डाउन फर्स्ट क्वेश्चन, इसलिए डिटेल में लिखता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव हो गया वन अपॉन टू रूट एक्स प्लस रूट वाई का डेरिवेटिव वन अपॉन टू रूट वाई, लेकिन इंटू करना होगा हमें डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू रूट ए का डेरिवेटिव ऐसे ही वन अपॉन टू रूट ए इंटू डी ए बाय डी एक्स, लेकिन फिर आपके ध्यान में आएगा कि डी ए बाय डी एक्स जो है वो जीरो है, मतलब ये है कांस्टेंट, और कांस्टेंट चाहे किसी भी फॉर्म में हो उसका आंसर होता है हमेशा जीरो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। तो इधर हमने लिख दिया वन अपॉन टू रूट वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये फर्स्ट वाले टर्म उधर चली जाएगी तो हो जाएगी माइनस वन अपॉन टू रूट एक्स, दोनों तरफ से टू टू कट गया, हमें आंसर मिलेगा डी वाई बाय डी एक्स का, रूट वाई डिनोमिनेटर से चला जाएगा न्यूमरेटर में, माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स, या फिर आप ऐसे भी ले सकते हैं माइनस रूट वाई अपॉन एक्स। ठीक, क्लियर है, नाउ थर्ड वन, एक्स प्लस रूट एक्स वाई प्लस y इक्वल टू वन, डिवाइड बाय डी एक्स ढूंढना है हमें, ध्यान रखिएगा ऑब्वियसली हमें करना होगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव x के साथ हो जाएगा वन प्लस रूट एक्स वाई का डेरिवेटिव होगा वन अपॉन टू रूट एक्स वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई प्लस y का डेरिवेटिव होगा dy बाय dx इक्वल टू वन का डेरिवेटिव जीरो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यह है वन प्लस वन अपॉन टू रूट एक्स वाई ब्रैकेट में एक्स वाई का डेरिवेटिव, अब एक्स वाई का डेरिवेटिव हमेशा u इंटू v से निकलता है, तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड y का डेरिवेटिव होगा dy बाय dx प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स का डेरिवेटिव वन प्लस ए डी वाई बाय डी एक्स विच इज इक्वल टू जीरो। नाउ डीवाई बाय डी एक्स के टर्म हमने लेफ्ट हैंड साइड पर रखने हैं, बाकी सारा राइट हैंड साइड पर लेकर जाना है,
डिवाइडेड एस के दो टर्म है, एक तो यहाँ पर ये, दूसरी ये है, ठीक है। अब ये वन अपॉन टू रूट एक्स वाई, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या होगा, वन इन टू एक्स मतलब एक्स अपॉन टू रूट, एक्स अपॉन टू रूट एक्स वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स प्लस ये है यहां पर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, इधर से वन राइट हैंड साइड पर जाएगा तो होगा माइनस वन, और ये वन अपॉन टू रूट एक्स वाई इस वाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस वाई इंटू वन मतलब वाई अपॉन टू रूट एक्स वाई। इसको अच्छे से समझिएगा, नाउ इन दोनों टर्म्स में हम डिवाइड बाय एस कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स अपॉन टू रूट एक्स वाई प्लस यहां से आएगा वन इंटू हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स विच इज इक्वल टू, यहां से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में ये टू रूट एक्स वाई है इसे कॉमन कर देते हैं, मतलब एलसीएम, ठीक। अब टू रूट एक्स वाई इंटू वन यहाँ पर हो जाएगा टू रूट एक्स वाई और प्लस ये वाई। अब देखिए जैसे हमने इधर इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लिया टू रूट एक्स वाई, वैसे इधर भी एलसीएम हो जाएगा टू रूट एक्स वाई, और वो दोनों एलसीएम दोनों तरफ का कट जाएगा, फिर इस टर्म में यहां पर बचेगा एक्स प्लस टू रूट एक्स वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में टू रूट एक्स वाई प्लस वाई। ठीक, यहां से हमने टू रूट एक्स वाई और इधर का टू रूट एक्स वाई कट गया एलसीएम लेने के बाद, एक्स प्लस टू रूट एक्स वाई इधर हो गया डी वाई बाय डी एक्स, माइनस साइन टू रूट एक्स वाई कट गया, न्यूमरेटर यहाँ पर बच गया। अब डी वाई बाय डी एक्स का आंसर क्या होगा, फिर डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा न्यूमरेटर और यहां से उठ के ये ब्रैकेट चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो हम लिख देते हैं अगले पेज पर डी वाई बाय डी एक्स। तो देयरफॉर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस न्यूमरेटर में वाई प्लस टू रूट एक्स वाई, डिनोमिनेटर में एक्स प्लस टू रूट एक्स वाई, तो दैट इज योर आंसर। लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर फाइव। x square y square minus tan inverse of under root x square plus y square is equal to cot inverse of under root x square plus y square। अब देखिए क्वेश्चन दिखने में जितना बड़ा दिख रहा है उतना बड़ा है नहीं, आप बोलेंगे सर इसका डेरिवेटिव फिर इसका डेरिवेटिव फिर इसका, बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर आप नॉलेज यूज करेंगे तो ये जल्दी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये माइनस वाले टर्म में उधर लेके जाता हो तो प्लस हो जाएगी, सो पहले मुझे फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस की टर्म उधर गई हो गई प्लस टैन इनवर्स ऑफ अंडर रूट प्लस कॉट इनवर्स ऑफ अंडर रूट। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हमें यह मालूम है कि टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू, तो आप देख सकते हैं दोनों का डिफ्रेंसिएशन करना हमारा यहाँ पर अवॉइड हो गया, जरूरी नहीं है उनका डिफ्रेंसिएशन करना, हमने प्रॉपर्टी यूज करके लिख दिया इसको पाई बाय टू, एंड नाउ वी कैन डिफ्रेंसिएट
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड पर यू इंटू वी होगा फर्स्ट एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, अब वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा टू वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा टू एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू का डेरिवेटिव जीरो। अब हमें डिवाइड बाय एक्स निकालना है तो ये सेकंड टर्म राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो इधर बचेगा टू एक्स स्क्वायर वाई डीवाई बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर, सो देयरफॉर डीवाई बाय डी एक्स क्या हुआ माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर वाई, दोनों तरफ से टू टू कट गया, एक्स स्क्वायर में जो स्क्वायर है एक्स के साथ कट गया, वाई स्क्वायर में जो स्क्वायर है वाई के साथ कट गया, सो दिस इज रिमेन्स व्हाट माइनस न्यूमरेटर में वाई डिनोमिनेटर में एक्स। क्वेश्चन नंबर सेवन, e raised to x plus y is equal to cos of x minus y. Let us differentiate this with respect to x. Ab e raised to f of x hai, e raised to f of x iska derivative hoga e raised to f of x into f dash of x matlab d dx of एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स है उसका डेरिवेटिव होगा माइनस साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई, दिस फर्दर सिंप्लीफाइज एज ई रेस टू एक्स प्लस वाई इंटू ब्रैकेट में एक्स का डेरिवेटिव वन प्लस वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स which is equal to minus sin of x minus y into bracket में x का derivative 1 minus y का derivative dy by dx, अब ये raise to x plus y इस bracket में multiply होगा minus sin x minus y second bracket में multiply होगा raise to x plus y into 1 raise to x plus y plus raise to x plus y into dy by dx, ये होगा left hand side, राइट हैंड साइड होगा माइनस इंटू वन माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स। अब हमें डी वाई बाय डी एक्स के टर्म लेफ्ट हैंड साइड पर जमा करने होते हैं तो ये एक